इसके क्षेत्र होंगे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और मार्केटिंग का क्षेत्र, गिग इकोनॉमी, ब्लू कॉलर जॉब्स, सेवा क्षेत्र जैसे होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आईटी के क्षेत्र में आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं, मीडिया और कला के क्षेत्र में, कानून और विधि निर्माण के क्षेत्र में। अब ये मेरी बात को और ध्यान से समझना कि आपको पढ़ाई पूरी हो गई, वो कहते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ते से काम नहीं चलता। हम आपको एक पोर्टल बनाएंगे, पोर्टल पे बच्चों को रजिस्टर करेंगे और ऐसे काम में वो जाएंगे सीखने जिसकी इंडस्ट्री को भी जरूरत होगी। तो इंडस्ट्री में या अन्य संस्थान में जब वो काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के दौरान उनको कम से कम 8,000 रुपया तो हम देंगे इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से, और कंपनी उनको अलग से पैसा देगी। तो उनके पास इतना पैसा होगा कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक उनका काम चल जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है। 8,000 रुपया मिलेंगे, कंपनी के संस्थान के तरफ से भी मिलेंगे, लेकिन काम सीखने के मिलेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि एक साल काम सीखने के बाद उसको वहीं या और कहीं परमानेंट जॉब मिल जाए ताकि उसको भटकना ना पड़े।